बिहार में टूटती दिख रही नीतीश कुमार की सरकार। बता दें कि बिहार में एनडीए की नीतीश सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास करना है। आरजेडी के खेला होने के दावे के बीच करीब सभी दल सतर्क हैं और अपने विधायक को सहेजने में जुटे हुए हैं। जेडीयू अपने विधायकों के लिए भोज का आयोजन कर रही है ताकि सभी विधायकों को एकजुट रखा जा सके, तो वही आरजेडी भी हर दिन विधायकों को 5 सर्कुलर रोड पर बुला रही है। बता दें कि महागठबंधन में शामिल होने पर कांग्रेस ने तो अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को पहले ही हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया है। किसी भी दल के नेता इस मामले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सभी दल अपने विधायकों को सहेजने में जुटे हैं। सत्ताधारी जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में जेडीयू काफी संसक्ति दिख रही है। उधर विधायकों में मोर्चाबंदी के बीच विधायक अध्यक्ष पद को लेकर के खिंचातानी चल रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन आरजेडी कोटे से विधानसभा के स्पीकर को हटा दिया, जबकि खुद स्पीकर जल्द अपना पद छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में यहां पर खेला होने का डर बहुत ज़्यादा बना है। स्पीकर की ओर से दिए बयान के बाद आशंका तेज हो गई है, लिहाजा एनडीए भी हरकत में आ गई है। बता दें कि यहाँ पे आरजेडी कोटे से स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपना मंशा साफ कर दिया है कि नियमावली का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद उन्हें अपने पद पर 14 दिन तक बने रहने का अधिकार है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी कोशिश कर रही है नीतीश सरकार की वहाँ पर बने रहे, लेकिन यहाँ पर आरजेडी की तरफ से पूरा खेल खेला जा रहा है ताकि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से आ जाए, वहाँ पे आरजेडी सरकार बिहार में बन जाए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर सकते हैं।